चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। महबूबा जी ने सही कहा, आज महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 47 में देख के ये कहा कि मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को से जरूर मिलाया है। बाबा बाबा इसको बोल रेड वाला रेड। शायद अब वक्त आ गया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद खेत में होंगे, अब आप क्या करोगे? लगातार सितंबर से आप चलते आए हो, मैं जानता हूँ थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है, बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। अगर आप पूर्व और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हमें भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ और इस बात के बर्फ आए। हम बहुत अरसे से ये बर्फ एक बहुत नई शगुन है। इस बर्फ में हमारी बेहतरी है। आज ये प्रोग्राम बेशक बर्फ के तहत थोड़ा उछल उछल हुआ, लेकिन इस बर्फ ने हमारी जिंदगी में एक रोशनी लाई है, जिसके लिए हम आपके लिए आपको भी शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रिय नेता और जो भारत जोड़ो यात्रा लेके कन्याकुमारी से यहां तक 4000 किलोमीटर चल के आए, जोर से तालियों से उन्हें स्वागत कीजिए। राहुल गांधी जी, जिस तरीके से राहुल जी ने यात्रा पहुंचाई, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। आज जो ये रहमत अल्लाह ताला की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जैसे हम किसी की शादी में शीरी नहीं फेंकते, उसी तरह आज अल्लाह ने आपके ऊपर ये रहमत की बरसात, बर्फ की बरसात कर दी। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आने वाली जंग जो है वो आप जीतेंगे। हमारी नेता और सबके दिलों की धड़कन श्रीमती प्रियंका गांधी जी, एसी वेणुगोपाल जी, मैडम रजनी जी और सारे लीडर यहाँ पे जो आए हैं, उन सबका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस भारी बर्फबारी में। और राहुल जी से ये करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की कौम आपके साथ है, और जो आपको ने कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का, हर तबके के, हर नगो रंगो नस्ल के, गुजर पहाड़ी, हर नगो नस्ल का दिल जीता, आज जम्मू कश्मीर के लोग आपके ऊपर जान छिड़कने को तैयार है, आपके ऊपर प्यार बरसने को तैयार है। आपने प्यार बांटा और आपको इंशाल्लाह प्यार मिला, लाखों की तादाद से आपको लोगों ने यहाँ पे स्वागत किया। इंशाल्लाह जो ये मिशन आपका है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी को जड़ से मिटाएंगे, हिंदुस्तान में भी मिटाएंगे और कश्मीर में भी मिटाएंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं इजाजत दूंगा और अपने ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस दाइस पे आके अपना भाषण दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस बरफ में और आवाज होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारेबाजी हो रही है, आपकी आवाज़ सुनिए। सीएम के हमारे मित्र
आप लीडर जो राज्यसभा में टीम को लीड करते हैं शिवाजी, उनको मैं रिक्वेस्ट My warmest wishes to you on behalf of the DMK party from Tamil Nadu. Sir M.K. Stalin, the president of DMK party and the chief minister of Tamil Nadu. When Rahul Gandhi ji started this yatra in Kanyakumari, the southern end of this vast Indian subcontinent, he was there to inaugurate that. And now at the valediction point, he has sent me on his behalf to extend his warmest wishes to Rahul Gandhi ji. He has completed a successful yatra for 3,500 kilometers across this country, reaching out to every common citizen, conveying a message that the leader has emerged to save this country. The relationship between DMK and Congress. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।